In this video, we will cover the definition of person and SSC. So, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है. तो सबसे पहले हम person की definition से शुरू करते हैं, जो कि section 2, subsection 31. Actually, अभी मैं section आपको याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हमें concept समझना ज़्यादा ज़रूरी है. दोनों अगर हम एक साथ करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है. अगर आपको सेक्शन भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर्सन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, ए पर्सन इज लायबल टू पे टैक्सेस ऑन देयर इनकम्स टू द गवर्नमेंट. तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन होता है वो लायबल होता है टैक्सेस पे करने के लिए अपने इनकम पे गवर्नमेंट को. पर्सन का मतलब तो हम सभी को पता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने पर्सन की कैटेगरी में सिर्फ पर्सन ही नहीं लिए हैं, और भी चीज़ों को इंक्लूड किया है. एक एक करके सारा पढ़ते हैं. सबसे पहले है इंडिविजुअल्स. हेयर इंडिविजुअल रेफर्स टू द नेचुरल ह्यूमन बींग्स, वेदर इट इज मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, मेजर, माइनर और अनसाउंड माइंड, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में यहाँ पे सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया गया है, जो भी नेचुरल ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेसिकली मतलब ये है कि एक हिंदू फैमिली जिसके घर में कॉमन सोर्स है इनकम का, मतलब कि एक ही सोर्स है इनकम का जिससे कि सब लोगों के पास इनकम आ रही है, विच इज़ मैनेज्ड बाई सीनियर मेल कर्ता. And Jain and Sikhs are also included in the HUF under this act. Then third number पे company. So according to Income Tax Act, एक company को भी include किया गया है person की category में. That must have registered in Companies Act 2013. So it includes Indian company, foreign company, private company and public company. Then fourth है firm partnership. फॉर्म पार्टनरशिप का ये मतलब होता है कि जब दो लोग और दो से ज़्यादा लोग अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस और एग्री हो जाते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, देन इट इज़ नॉन एज पार्टनरशिप फॉर्म. सो ये भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. देन फिफ्थ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एंड BOI. तो सबसे पहले AOP की डेफिनेशन पढ़ते हैं. AOP इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एंड नॉन इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. इंडिविजुअल्स में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेजर, माइनर, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये सब आते हैं. देन नॉन इंडिविजुअल्स में आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, जैसे कि कंपनी, फर्म, एक्सेट्रा. तो जब इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बनाते हैं तब हम उसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन. फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI. इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है, इफ ओनली इंडिविजुअल जॉइन टुगेदर देन इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. तो इसका मतलब ये है कि जब इंडिविजुअल सिर्फ आपस में मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा गया है. और इंडिविजुअल का डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ. इंडिविजुअल की कैटेगरी में मेल, फीमेल, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, ये सब आते हैं. तो जब ये लोग मिलके आपस में ग्रुप बनाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज पर्सन अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट. फिर सिक्स नंबर पे आता है लोकल अथॉरिटी. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, सो दे गिव अथॉरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन सच एज पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी इन लोकल एरिया. सो लोकल अथॉरिटीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पर्सन अंडर दिस एक्ट. देन लास्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो भी हमने कैटेगरीज पढ़ी है उसमें वो नहीं आता है, देन दे विल कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इसका बेस्ट एग्जांपल है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, बार काउंसिल. ये अभी तक हमने जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी पर्सन की उसमें नहीं आ रहे थे, तो इसलिए दे विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो यहाँ पर्सन की डेफिनेशन कम्प्लीट हो जाती है. अब SSC का मतलब समझते हैं. अगर सिंपल वर्ड में मैं SSC का मतलब बताऊं तो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सभी लोगों को एसएससी कहते हैं जो भी इनकम टैक्स की गाइडलाइंस के अंडर में आ जाते हैं। तो यहाँ एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, देयर आर द वेरियस सिचुएशन वेयर ए पर्सन विल बी टर्म्ड एज एसएससी। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन को एसएससी तब कहा जाएगा व्हेन ही फॉल्स अंडर दिस वेरियस सिचुएशंस। तो पहला सिचुएशन है इफ़ यू हैव टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी विच इज पेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर किसी पर्सन के पास टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है तो वो एसएससी कहा जाएगा। दूसरा है एनी प्रोसीडिंग्स हैव बिन डन और इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट यू, लीगल एक्शन अगेंस्ट प्रॉफिट रिफंड और लॉस। कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर किसी पर्सन के खिलाफ स्टार्ट हो जाती है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देन वो भी एसएससी ही कहा जाता है। देन इफ़ यू आर ए डीम्ड एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट देन यू आर कंसिडर्ड एज एन एसएससी। मतलब अगर आप डीम्ड एसएससी हो, आपको मान लिया गया है एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तब भी आप एसएससी ही कहा जाओगे। देन एसएससी इन डिफॉल्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट उन लोगों को कहा जाता है हु फेल्स टू फॉलो इनकम टैक्स गाइडलाइंस। तो और भी सिचुएशंस है लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ थोड़े से ही सिचुएशंस एक्सप्लेन किए हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। इन दिस वीडियो